नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मारी नैथानी। हमेशा की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपनी इस खास पेशकश फेंगशुई टिप्स को लेकर, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान और फेंगशुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। नमस्कार। तो आज हमें ज्योति जी बताने वाली हैं आपके ड्रेसिंग कलर्स को लेकर, आखिर किस तरह, अगर आप किसी इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, किसी बिजनेस डील के लिए अगर आप जा रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, किसी से आपका कोई मन मुटाव है, बच्चों की एजुकेशन को लेकर अगर आप थोड़ा सा चिंतित हैं, तो वो कलर्स जो हैं, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि कलर्स किस तरह से प्रभाव डालते हैं। तो चलिए ज्योति जी, सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई शुभ काम के लिए जा रहा है, बाहर जा रहा है, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ, क्या ऐसे कलर्स हैं जो सामने वाले पर इंप्रेशन डाल सकते हैं? अच्छा, देखिए, शुरू से ये ट्रेडिशन रहा है कि लोग अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए, प्रोस्पैरिटी लक को एनहेंस करने के लिए, स्टैंड आउट करने के लिए कलर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी ड्रेसिंग में। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बहुत ही ज़्यादा इस मामले में चूज ही होते हैं कि इस फंक्शन में मुझे ये कलर पहनना है ताकि यू नो स्टैंड आउट कर सकें। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब आप किसी एक खास जगह पर जा रहे हो जहाँ पर आप प्रभाव छोड़ना चाहते हो या आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप उन कलर्स को अगर युक्ति से चूज़ करें तो आप उस सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न कर सकते हैं और आपका गुड लक काफी बढ़ सकता है। चलिए, और जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ कि हर रंग कुछ कहता है, जैसे मैम ब्लैक पहनकर आ जाए तो ब्लैक एक रहस्य का कलर माना जाता है, व्हाइट की बात करें तो शांति का माना जाता है। इसी तरीके से हम और बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन बढ़ते हैं एनिमल साइंस की तरफ और बात करते हैं मंकी की। चलिए मंकी से शुरुआत करते हैं। आपका ईयर है 1956, 1968, 1980, 1992 और 2004। ये सप्ताह आप अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि उसके चलते ही कोई आप कोई एडिशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कोई नया बिजनेस प्लानिंग आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। एक्सपेंडिचर काफ़ी हाई है इस सप्ताह, काफ़ी खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है आपका। इस सप्ताह आप रिश्तों में शायद एक्सप्रेसिव कम होने से ज़्यादा केयरिंग होंगे। आप शायद अपना अफेक्शन प्रकट ना करें लेकिन केयर बहुत करेंगे अपने पार्टनर की। और हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए नॉर्मल है, और मतलब मुझे लगता है काफी रिलैक्स करना पसंद करेंगे इस सप्ताह। चलिए मंकी के लिए टिप ये है कि देखिए, आप ध्यान रखिए कि इस सप्ताह आप क्रिमेशन ग्राउंड पर बिल्कुल ना जाएं और किसी सुनसान जगह पर भी ट्रैवल ना करें, क्योंकि इस बार यिंग एनर्जी काफी एक्टिव है आपके लिए। अब बात करते हैं रूस्टर की। तो आपका ईयर है 1957, 1969, 1981, 1993 और 2005। इस सप्ताह आप काफी पावरफुल और अथॉरिटेटिव लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे आपको, और कोई फाइनेंशियल गेन भी मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है उनकी मदद से। अगर आप जॉब में हैं तो, और आपका अप्रेजल इसी सप्ताह अगर उसका रिजल्ट आना है, तो आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी और आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। और रिलेशनशिप की बात करूं तो काफी अच्छा सप्ताह है। जो निसंतान दंपति है उनके लिए एक अच्छी न्यूज आ सकती है कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड की, और जो सिंगल रूस्टर है उनके लिए भी मुझे लगता है किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं आप और कोई आपकी तरफ। और हेल्थ की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, खास करके रोड पर चलते समय या फिर ड्राइविंग करते समय या ट्रैवलिंग करते समय, कि कहीं छोटी मोटी दुर्घटना ना हो जाए। देखिए, आपके लिए टिप ये है कि पिछले सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी आप अपने घर के सेंटर से अर्थ और फायर एनर्जी को तुरंत रिमूव कर दीजिए और अपने वाहन में 6 मोर पंख रखें ताकि आप दुर्घटनाओं से बचें। डॉग की बात करते हैं। डॉग का ईयर है 1958, 1970, 1982, 1994 और 2006। देखिए, इस सप्ताह आप जहाँ पर भी अपने काम में जहाँ काम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहीं काफ़ी वर्क प्रेशर बिल्डअप हो सकता है आपके लिए, और आप मुझे लगता है फाइनेंशियल गेन तो आपको काफ़ी अच्छे होंगे, साथ साथ एडिशनल इनकम होने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। और इस सप्ताह रिलेशनशिप की दृष्टि से देखा जाए तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी हैप्पी रहेंगे, वहीं आप प्रयास करेंगे कि अपने रूठे हुए लव्ड वंस को मनाने के लिए, और आप चाहेंगे कि जो डिफरेंसेस है वो क्लियर हो जाए और आपस में संधि हो जाए। और हेल्थ की दृष्टि से आपको ज़्यादा एग्जर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होकर काम करने चाहिए। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक ड्रैगन की इमेज रखें। साउथ ईस्ट में ड्रैगन की इमेज रखना इस पूरे साल सभी एनिमल साइंस के लिए काफी लकी रहेगा। अब बोर की बात करते हैं। तो आपका ईयर है 1959, 1971, 1983, 1995 और 2007। देखिए, पिछले सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी आपका करियर लक बहुत अच्छा है, नए सेल्स ऑर्डर मिलेंगे, और आप रिटेल बिजनेस में अगर हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और अगर आप पार्टनरशिप की सोच रहे हैं तो ये सप्ताह पार्टनरशिप डील साइन करने के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट है। और रिलेशनशिप लक की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है, ऑल टाइम हाई है आपका रिलेशनशिप लक, और आपको अपने पिता या बड़े भाई का साथ भी प्राप्त होगा और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा।
और हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह अच्छा है, काफी बेहतर होगी आपकी हेल्थ और आपका हैप्पीनेस स्कोर भी हाई रहेगा। चलिए डॉग एनिमल साइन की भांति आप भी वही टिप यूज कीजिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक ड्रैगन की इमेज रखें। चलिए तो ये तो हमने बोर तक यहाँ पर बात की मंकी से लेकर, लेकिन हम यहाँ पर रंगों की जिस तरह से बात कर रहे हैं आज इस चीज को, आज इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर इंटरव्यू की बात की। लेकिन ज्योति जी, कुछ लोगों में अगर मन मुटाव है, किसी के पास आप जा रहे हैं किसी को मनाने के लिए, किसी को कोई रूठा हुआ है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, कोई कलर उनके लिए भी काम करता नजर आता है? जी, अगर आपका किसी से डिफरेंसेस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो डिफरेंसेस आ गए हैं वो दूर हो जाए, आप कोशिश कीजिए कि आप पिंक कलर पहने। पिंक कलर के क्लोथिंग्स मेन भी पहन सकते हैं, वुमेन भी पहन सकती हैं। उससे क्या होगा कि एक सूदिंग एनर्जी जनरेट होती है जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हैं। और इंटरव्यू की अगर आप बात करें तो इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो आप ब्लू कलर पहन सकते हैं, व्हाइट कलर पहन सकते हैं, ये दोनों कलर्स इंटरव्यू में आपको गुड लग देंगे। चलिए, तो ब्लू कलर कूल माना जाता है और व्हाइट कलर, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, कि शांति का प्रतीक माना जाता है जिस तरीके से ज्योति जी ने हमें बताया। चलिए हम वापस लौटते हैं अपने एनिमल साइंस की तरफ और बात करते हैं रैट और ऑक्स की। चलिए बात करते हैं रेड की। आपका यह है 1960, 1972, 1984, 1996 और 2008, और आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ ये सप्ताह शुरू होगा और अपनी सही असाइनमेंट जो भी है सारी असाइनमेंट बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड वीक है आपके लिए और आपको काफ़ी, मुझे लगता है इस सप्ताह आपके करियर में काफ़ी अच्छा लक है, बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा लक है, इन्वेस्टमेंट्स हाई रिटर्न्स देंगी। और रिलेशनशिप के सेक्टर में आपके रिश्तों में आपकी निष्ठा और प्रेम दोनों बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आप अपने परिवार और अपने फ्रेंड सर्कल में हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे। हेल्थ की दृष्टि से इस सप्ताह आप ध्यान दें अपने स्वास्थ्य पर और इनडाइजेशन या फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम से हो सकते हैं आप परेशान। रेड के लिए टिप ये है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और करियर लक के लिए अपने नॉर्थ डायरेक्शन में ड्रैगन हेडेड टर्टल की इमेज रखें या ड्रैगन हेडेड टर्टल का एक छोटा सा आप आर्टिकल भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑक्स की, तो ऑक्स का ईयर है 1961, 1973, 1985, 1997 और 2009। इस सप्ताह आप अपने काम में अस्थिरता और असुरक्षा की फीलिंग बिल्कुल ना आने दें, पूरी एकाग्रता से बिना इधर उधर बेकार की चर्चा किए बिना अपने काम पर ही फोकस रहे तो बेहतर होगा। देखिए, ध्यान दें, आपका मेंटोर लक अभी भी अच्छा है जिसकी वजह से आपके सीनियर्स की गाइडेंस आपको मिलती रहेगी और सडन एक्सपेंसेस खड़े हो सकते हैं और आप अपनी सेविंग्स को यूज करना पड़ सकता है, स्थिति आ सकती है। रिलेशनशिप की दृष्टि से आप अपने लोगों से बिना बात पर नाराज रह सकते हैं और बिना सोचे समझे किसी से बहस भी कर सकते हैं, उलझ भी सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए अभी भी ज्यादा पॉजिटिव समय नहीं है, तो आप पुरानी समस्याएं फिर से खड़ी हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, आपके लिए टिप यह है कि इस सप्ताह आप रेड आउटफिट्स पहने और रेड कलर का सैटिन का हैंकी या कोई हैंडबैग कैरी करें तो आपको जो आपकी ये जो एग्रेसिव एनर्जीज है वो शांत होंगी। चलिए, तो एग्रेसिव लोग जो है तरह से शांत कर सकते हैं अपने आप को, रैट और ऑक्स के बारे में हमने यहाँ पर जाना। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से हम यहाँ पर एजुकेशन लक को एनहांस करने के लिए या फिर जो लोग एजुकेशन को लेकर थोड़े से परेशान रहते हैं, कहीं जाना है उनको, अपना एग्जाम देना या कुछ भी इस तरह की चीज हो, उनके लिए क्या कलर आप बताएंगे? देखिए, जो भी लोग एजुकेशन की लाइन से जुड़े हैं उनके लिए सबसे अच्छा रंग है हरा, ग्रीन कलर, वुड एलिमेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी लर्निंग कर रहे हैं तो आप ग्रीन कलर की, अगर मान लो आप एक क्लास अटेंड करने जा रहे हैं जहाँ एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट आपको बहुत आसानी से समझ में नहीं आता, तो आप ग्रीन कलर पहनिए क्योंकि उससे कम्युनिकेशन का फ्लो इन एंड आउट बहुत आसानी से होगा। आप लेखक हैं तो आपके लिए भी ग्रीन कलर काफी अच्छा रहेगा। चलिए, तो फिर आपको सब कुछ हरा हरा नजर आएगा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेंग शुई टिप्स। ज्योति अरोड़ा जी हमारी फेंग शुई एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। बिना देर किए आगे हम जानेंगे और भी कुछ चीजें, लेकिन बिना देर किए एनिमल साइंस की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं टाइगर से लेके शीप तक के साइन वालों की। चलिए, आप टाइगर है, अगर आपका जन्म 1962, 1974, 1986, 1998 और 2010 में हुआ है, वेल्थ और करियर की दृष्टि से आप अभी काफ़ी प्रेशर में हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, आप वर्क प्लेस पर, मुझे लगता है आपको काफ़ी मॉनिटर किया जा रहा है। आपके नए क्लाइंट्स या बिजनेस एसोसिएट्स भी आपके साथ डीलिंग करने से पहले आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी इवेल्युएट कर सकते हैं इस सप्ताह। रिलेशनशिप की बात करूँ तो लव लाइफ में थोड़ा सा आप डिसइंटरेस्ट शो कर सकते हैं, किसी मित्र का आपके प्रति हृदय परिवर्तन भी हो सकता है। हेल्थ को लाइटली ना लें और अपनी फिटनेस रेजिम को बरकरार रखें। देखिए, आपके लिए टिप यह है कि आप अपने ऑफिस में और घर में ध्यानपूर्वक साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल ध्यान दें कि आप उसे कन्फ्रंट करके, उसे फेस करके ना बैठें, और अगर हो सके तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन अपने ऑफिस की चेयर के बिल्कुल पीछे ले लें तो आपको ताई सुई का सपोर्ट मिलेगा और आपका ये सप्ताह अच्छा जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं रैबिट एनिमल साइन की। आपका ईयर 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 और 2011 है। इस सप्ताह आपको अपने बिजनेस या जॉब में भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। अपनी क्षमता से अधिक कमिट करना और बड़ा चढ़ाकर अपनी कीर्ति बखान करना आपको भारी पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा रिस्की पीरियड है, तो इस सप्ताह आप अवॉइड करें इन्वेस्टमेंट। इस सप्ताह बेहतर होगा कि रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो अपनी वर्क लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको ध्यान देना होगा अपने साथ के लोगों को, खास करके अपने स्पाउस को। देखिए, आपको अपने पुत्र का मार्गदर्शन करना पड़ सकता है और साथ ही साथ अपने छोटे भाई की भी मदद करनी होगी। हेल्थ की दृष्टि से अभी एनर्जी लेवल काफ़ी लो है और आप अस्वस्थ ना होते हुए भी थोड़ा सा सिक फील कर सकते हैं कि आप लो एनर्जी में। आपको लगेगा शायद मुझे फीवर तो नहीं, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ वो लो एनर्जी है। तो आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर में साउथ ईस्ट सेक्टर में एक फाइटर किंग जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप या कोई ऐसे फाइटर किंग जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहे हैं, ऐसी लोगों की तस्वीर रखेंगे तो आपकी जो विक्ट्री लक एक्टिवेट होगी। चलिए अब बात करते हैं ड्रैगन की। तो आपका ईयर है 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012। वर्क लाइफ में सक्सेस मिलेगी आपको, जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं और जॉब प्रमोशन का भी कोई मैटर है तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपके लिए नए इनकम के सोर्सेज शुरू हो सकते हैं और एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम शुरू होने के चांसेस नज़र आते हैं। ड्रैगन के लिए रिलेशनशिप की डायरेक्शन में ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। आप काफ़ी चार्मिंग और अट्रैक्टिव होने के कारण सबकी अटेंशन ड्रॉ करेंगे, लोग आपकी कमियों को नजरअंदाज करेंगे और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। हेल्थ की दृष्टि से इस सप्ताह हेल्थ थोड़ी सी सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिट एंड फाइन रहेंगे आप वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने पिछले सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी अपने घर में अरोमा जलाएं और काफ़ी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उससे और अरोमाज आप अपनी पसंद का चूज कर सकते हैं इस सप्ताह। चलिए बात करते हैं स्नेक की। आपका ये 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 और 2013 है। ये है एक पॉजिटिव वीक वेल्थ और करियर की दृष्टि से आपके लिए, और सीनियर्स के साथ साथ आपको अपने पीयर्स का भी सहयोग मिलेगा और वो सराहना भी देंगे आपको आपके काम के लिए। अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं बता रही हूँ आप उस प्रेजेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन लेंगे और तालियां तो जरूर मिलेंगी आपको। फाइनेंशियल इनफ्लो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप की दृष्टि से इस सप्ताह आप अपने स्पाउस को कोई आपका स्पाउस आपसे कोई ऐसी डिमांड कर सकता है जिसे पूरा करने के लिए आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ सकता है। आपके लिए आपके रिश्ते और घनिष्ठ होंगे और मजबूत होंगे। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह ठीक है, आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की मॉर्निंग क्लेंजिंग जब करते हैं, सफाई वफाई हो जाती है मॉर्निंग, उसके बाद पूरे घर की लाइट एकदम ऑन कर दीजिए। जितने भी बल्ब एंड ट्यूब्स हैं सब ऑन कर दीजिए और सैंडलवुड फ्रेशनर स्प्रे करें या डिफ्यूजर ऑयल बंद करें, तो उससे क्या होगा एकदम से पॉजिटिव एनर्जी, यंग एनर्जीज एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगी आपके घर की, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। चलिए अब बात करते हैं हॉर्स एनिमल साइन की। आपका ईयर 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014 है। आपके लिए ये सप्ताह स्टूडेंट्स के लिए खास करके ये काफ़ी अच्छा सप्ताह है, जिसे बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा स्कॉलेस्टिक लक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आपको हाई रैंक मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और वर्क प्लेस में आप काफ़ी पॉजिटिविटी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप के सेक्टर में काफ़ी रोमांटिक रहेंगे आप इस सप्ताह। जिनका विवाह फिक्स होगा इस सप्ताह उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत होगा और भविष्य काफ़ी प्रॉस्परस होगा। हेल्थ की दृष्टि से पिछले सप्ताह की भांति काफ़ी एनर्जेटिक हैं आप इस सप्ताह भी। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने रूम की वेस्ट डायरेक्शन में क्रिस्टल ग्लोब रखें। शीप की बात करते हैं। शीप ईयर है 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 और 2015। इस सप्ताह आपको अपने कॉन्टैक्ट से बिजनेस मिलने की संभावना है। हो सकता है कि कोई नया क्लाइंट आपका ओल्ड एक्विंटेंस निकल आए या कोई पुराना दोस्त निकल आए। आपको कोई नया गैजेट जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने का मन बन सकता है और आप खरीद भी सकते हैं इस सप्ताह। रिलेशनशिप की बात करें तो आपको ध्यान देना होगा कहीं आप अपने रिश्ते में कहीं ओवर पोजेसिवनेस की वजह से अपने पार्टनर को सफोकेट तो नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा ध्यान दीजिए दूसरे की प्राइवेसी में आप इंटरफेयर ना करें। हेल्थ की दृष्टि से फिट एंड फाइन है, बिल्कुल ओके टाइप सप्ताह रहेगा आपके लिए। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप पहने नेचुरल क्रिस्टल्स, बिल्कुल नेचुरल क्रिस्टल्स पहनेंगे तो उससे आपकी अर्थ लग बढ़ेगी और साथ ही साथ फीमेल्स के लिए डायमंड ज्वेलरी पहनना काफ़ी लकी रहेगा। और वैसे भी डायमंड तो मानी जाती है ना कि लड़कियों की काफ़ी अच्छी दोस्त माना जाता है डायमंड्स को। चलिए, लेकिन मैं यहाँ पर पावर की बात करूँ, अथॉरिटी की बात करूँ, फेम की बात करूँ, तो कौन सा आप कलर बताएंगी लकी कलर कि हाँ ये पावर के लिए, फेम के लिए हो सकता है?
देखिए ब्लैक कलर जो कलर है वो एक ऐसा कलर है जो पावर को दर्शाता है, अथॉरिटी को दर्शाता है। देख पा रही हूँ अभी। बिल्कुल, पावर, अथॉरिटी के साथ साथ फेम, ये तीनों चीजें जुड़ी हैं ब्लैक कलर के साथ। ठीक है, आपने बोला पहले कि थोड़ा सा सीक्रेटिव एनर्जी, मिस्ट्री भी दिखाता है, लेकिन साथ साथ आपको बहुत पॉपुलैरिटी देता है। तो जनरली आपने देखा होगा रेड कार्पेट पे ज्यादातर जो लोग गाउन्स पहनते हैं या ड्रेसेस पहनते हैं वो ब्लैक कलर की ही पहनते हैं, तो उसका ये प्रभाव है कलर। चलिए, तो आज आपको वो जो सीक्रेट है वो पता चल गया यहाँ पर रेड कार्पेट का। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमेशा जो आप हमारे दर्शकों के लिए ये टिप्स लेकर आती हैं, गुड फेंगशुई बैड फेंगशुई यहाँ पर बताती हैं कि क्या सही रहेगा क्या नहीं। तो इसी के साथ हमारे आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम फिर हाजिर होंगे अपने सेम टाइम सेम प्रोग्राम सेम गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।